Hello everyone. So finally, you are privileged enough to see me now. I'm back. Your favorite girl is back. अच्छा तो आज का टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा. इट्स अबाउट सेल्फ लव. भर भर के वीडियोज हैं इस टॉपिक पे. सेल्फ लव ये, सेल्फ लव वो, सेल्फ लव दिस दैट. लेकिन आई एम श्योर कि पूरी तरह से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आया होगा कि वॉट एक्चुअली इज दिस सेल्फ लव. मतलब वैसे तो हमें पता है कि वॉट एक्चुअली इज सेल्फ लव. बिल्कुल अपने आप से प्यार करना ही सेल्फ लव. बट है क्या, मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है वैन यू. मतलब हम लोग कनेक्टिविटी नहीं कर पाते ना, वो खुद से एक तरह से ना, हम किसी और से कनेक्टिविटी कर पाते हैं, हम कनेक्ट हो पाते हैं किसी दूसरे पर्सन से. अगर हमें बोला जाए कि मतलब किसी से प्यार करना, तो बहुत इजीली कनेक्ट कर लेंगे. लाइक हमें पता होगा इससे मैं प्यार करता हूँ, तो फिर आई विल डू द बेस्ट फॉर दिस गाय और गर्ल और एनीवन. और हमें पता होगा कि ही और शी डिजर्व्स द बेस्ट फ्रॉम मी. लेकिन जब बात आती है सेल्फ लव, तो हमें कंफ्यूज हो जाते हैं. हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दिस, दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग इन सम और अदर वे, राइट? तो प्यार तो यार बहुत खूबसूरत चीज है. प्यार तो बहुत मधुर एहसास है. और वो प्यार अगर खुद से हो जाए ना, सोने पे सुहागा है यार. लेकिन ना कंफ्यूजन इतनी है ना कि समझ नहीं आता है कि भाई कैसे होता है, क्या करें. सो डोंट वरी, आई एम हियर टू सारी क्या बोलते हैं उसको, आई एम हियर टू क्लियर आउट ईच एंड एवरी कंफ्यूजन ऑफ यू. आई एम श्योर इस वीडियो में सबसे ज्यादा बेस्ट तरीके से तुम्हें समझाऊंगी कि सेल्फ लव कैसे करें, कैसे करें. क्योंकि मैं आप लोगों में से एक थी जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ तो आता था, बट कनेक्ट नहीं कर पाती थी मैं खुद से इस तरह से. तो मेरे को ना समझ नहीं आता था हाउ टू डू दिस. तो ये प्रॉब्लम मैंने फेस की, तो मुझे लगा बहुत होने की होगी. तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो, हाउ टू डू द सेल्फ लव, हाउ इट्स डन, क्या होता है क्या नहीं होता. लेट्स गेट इनटू दिस. तो सेल्फ लव कैसे करते हैं? सी, इसको ना इस तरह से समझो. जो लोग समझ नहीं पाते इसको इस तरह से समझो. आपके अंदर, ओके, जस्ट इमेजिन आपके अंदर दो लोग हैं, आपके अंदर दो इंसान हैं. आप एक इंसान नहीं हो, और वो है भी. वन इज योर माइंड, वन इज योर सोल. टू पीपल, उन इन दोनों को दो लोगों की तरह देखो, ठीक है? और प्यार किसको करना होता है? इधर प्यार करना है सोल को. योर सोल नीड्स लव. और प्यार करेगा कौन, चलाता कौन है हमारी बॉडी को और सबको? माइंड चलाता है, राइट? प्यार करना है माइंड को सोल से. तो दो लोग हैं, एक है माइंड, एक है सोल. और हमें क्या करना है, अपने ही अंदर एक दूसरे से प्यार करना है. तो हम क्या करेंगे, हम अगर किसी से भी प्यार करते हैं तो हम उसको बेस्ट देते हैं. उसको कोई खरोच ना आ जाए, उसको बेस्ट ट्रीटमेंट मिले, कपड़े अच्छे मिले, उसको सरप्राइजेस देते हैं हम. उसको कोई दुख होता है तो हम उसको उसको बैठ के बात करते हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसका इमोशंस, उसके इमोशंस को सुनते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं. तो हियर व्हाट वी विल डू, तुम ये समझो कि तुम दो लोगों और तुम बात करो, और अपने अंदर जो तुम्हारे अंदर जो एक ये जो सोल है, जो तुम्हारा इनर बीइंग है, इसको बोलो कि हाँ, मतलब तुम्हें इसको बेस्ट ट्रीटमेंट देना है. जस्ट समझो, तुम इसको बेस्ट ट्रीटमेंट देना है. तो बेस्ट ट्रीटमेंट से मतलब है तुम इसके लिए बहुत सुंदर, मतलब तुम चाहोगे कि तुम बहुत अच्छे कपड़े पहनो. यू विल गिफ्ट बेस्ट ड्रेसेस टू इट. कपड़े अच्छे दो, सुंदर कपड़े पहनो. और तुम और क्या कर सकते हो, अपने आप को फ्लावर्स दे रहे हो. ये तो मैं बाहर की चीज़ें बता रही हूँ. लेकिन जैसे कि तुम्हारा इनर सेल्फ दुखी है, तो तुम हम लोग बेसिकली तुम लोग कर मतलब क्या करते हैं, ये पूरी मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग दुखी होते हैं तो हम अपने आप को, तुमने कभी नोटिस किया होगा, पॉजिटिवली नहीं समझाते. हम बोलते हैं अरे तूने बेवकूफ़ है, तूने ऐसा कर कैसे दिया, अरे तूने तूने वहाँ पे भी तू नहीं कर पाई कंट्रोल, तूने अपने अपने आप को कैसे ऐसे, तूने सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तेरी. मतलब हम इस तरह की बातें अपने आप को बोल रहे होते हैं, राइट? तो हमें क्या करना है, अब तो चीज़ें बदल गई हैं. नाउ वी हैव फॉलन इन लव विद आवर सेल्फ, ठीक है? हम अपने आप से प्यार करने लगे. तो अब हमें क्या करना है, अब हमसे कोई भी गलती होगी तो हम ये नहीं बोलेंगे कि तूने क्यों किया, तू बेवकूफ़ है, तू ये है, तू है. यू विल से इट्स ओके, हो जाता है, हम अगली बार कंट्रोल कर लेंगे. वी विल वर्क ऑन दिस. तुम अच्छी हो, तुम इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने कुछ गलत किया. तुम गलती सबसे हो जाती है, तुमसे हो गई है, इट्स ओके, आई एम हियर फॉर यू. हम ऐसे ही तो करते हैं जिससे प्यार करते हैं. वी ऑलवेज मेक श्योर कि हम उसके साथ हों. हम कभी ये तो नहीं बोलते ना उसको कि तू बेवकूफ़ है, चला जाए यहाँ से. और
और जैसे खम खा का इंसान है, ये तो नहीं बोलते ना अपने आप से भी, कहीं भी तुम जाओ लाइक तुमने ओवर शेयर कर दिया किसी से, या तुमने कुछ ऐसा बोल दिया जो तुम्हें नहीं बोलना था, या तुम्हारी कोई फीलिंग्स हर्ट हो गई, किसी ने तुम्हें हर्ट कर दिया, सो बी विद योर सेल्फ, से टू योर सेल्फ डोंट वरी आई एम हेयर, यू आर फाइन, यू विल बी फाइन, आई एम हेयर, आई विल डू एवरीथिंग टू मेक यू हैप्पी, जस्ट डोंट वरी. और एक इंसान जैसे दूसरे इंसान को प्यार करता है, ठीक उसी तरह तुम अपने आप को फिर खुश करने के लिए सब कुछ करो, अपने आप को मनाओ, अपने आप से प्यारी प्यारी बातें करो, अपने आप के लिए जैसे अगर कोई दुखी होगा तो उसके लिए गाने गाएंगे, तो हम क्या अपने लिए गाने गाओ, अपने आप को गाने सुनाओ, अच्छे गाने सुनाओ अपने आप को, अपने आप के लिए फिर कुछ खरीद के लेके आओ, अपने आप को बेस्ट कोई अच्छी बुक पढ़ के सुना दो, अपने आप को फ्लावर्स गिफ्ट कर दो, बेस्ट अच्छा कोई खाना खा लो, अच्छी मूवी देख लो, तो दिस ऑल कम्स अंडर सेल्फ लव. इस तरह से क्या हो रहा है कि हम अपनी सोल को नरिश कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि आई एम हेयर फॉर यू बेबी, आई एम हेयर. तो दैट्स हाउ इट्स डन. तो हमेशा तुम्हें अपने आप को दो लोगों की तरह देखना है, कनेक्टिविटी तभी हो पाएगी, फिर तुम्हें आदत पड़ जाएगी और तुम्हें ये चीज़ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, यू विल ऑटोमेटिकली लव योर सेल्फ ऑलवेज. तो ये है. और दूसरा मैंने जो और ये चीज़ें मैंने खुद फॉलो की है, मैं कहीं से भी सेल्फ लव को मैंने वीडियोस मैंने भी बहुत देखी कैसे करते हैं, बट यू नो मेरे को कभी वो जिस्ट ही नहीं मिल पाया कि एक्चुअली क्या है ये, क्या मतलब मैं कंफ्यूज जाती थी. तो फिर क्या है, मैंने ये खुद अपने तरीके निकाले इस तरह से करने के, और ये बहुत ज़्यादा हेल्प किया मुझे. दूसरा मैंने जो हमेशा किया है वो है, मैंने हमेशा विजुअलाइजेशंस किए हैं. विजुअलाइजेशन तो मैं एक्सपर्ट हूँ विजुअलाइजेशन में, ड्रीमिंग डेर, अगर तुम लोग डे ड्रीमर्स हो तो तुम तो बेस्ट ही होगे विजुअलाइजेशन में. सो यूज इट फॉर योर ओन बेनिफिट रादर देन यूजिंग इट फॉर योर नुकसान. तो क्या करो, विजुअलाइज करो गाने. और हाँ, बिना गानों के विजुअलाइजेशन इज नॉट ईजी, आई एग्री टू दैट. और मेरे साथ तो ये है, अभी भी है, आई ऑलवेज प्ले सॉन्ग्स जब भी मुझे विजुअलाइज करना होता है. तो गाने चलाओ बिल्कुल हाई वाइबिंग सॉन्ग्स, मेरी एक बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है, मैं तुम्हें दे दूंगी वो अगर तुम्हें चाहिए होगा तो. तो गाने चलाओ मस्त वाले एकदम, और ईयरफोन्स लगाओ, अपना काम करो जो भी तुम काम कर रहे हो, लाइक डस्टिंग या कुछ भी, तुम ऐसा कोई भी काम कर रहे हो जिसमें तुम्हारा दिमाग नहीं लगना, और तुम्हें एफर्मेशंस भी पसंद नहीं है उतने, फॉर एग्जांपल, ठीक है तुम बोर हो जाते हो, ये बहुत सा फन तरीका है, गाने चलाओ, एक कोई तड़कता भड़कता सा म्यूजिक चलाओ, अपने आप को इमेजिन करो वो सब करते हुए उसमें. शुरू में तुम्हें हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए इमेजिनेशन में, बट धीरे धीरे यू विल गेट हैबिचुअल टू दैट, और तुम धीरे धीरे अपने आप को इमेजिन करो और सोचो बिल्कुल तुम वहीं पे एकदम ना गाने को फील करो, अपने आप को ना बिल्कुल ऐसे फील करो कि तुम वही हो, तुम वो जिंदगी जी रहे हो, तुम एकदम खुश हो बंदे, तुम एकदम मतलब तुम अपने आप से इतना प्यार है कि लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं, मतलब ये जो. और अगर तुमसे सिनेरियो इमेजिन नहीं होते, कोई बात नहीं, कोई गाना लो, फॉर एग्जाम्पल एक गाना है जी आर ए अनुष्का शर्मा का, वो गाना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो गाना तो मेरा मतलब थीम सॉन्ग है. तो उस गाने को तुम भी सुनो, उसकी वीडियो देखो, दो चार बार वीडियो देखो, फिर तुम्हें तो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि तुम अपने आप को किस तरह से विजुलाइज करो, बस तुम उसके मुंह की जगह अपना मुंह फिट कर दो और अपनी फीलिंग्स फिट कर दो, और इमेजिन करो कि जिस तरह से वो नाच रही है, वो गा रही है, तुम भी वही, तुम वो कर रहे हो और तुम ऐसे नाच रहे हो, तुम ऐसे खेल रहे हो, कूद रहे हो, जस्ट इस तरह से स्टार्टिंग करो. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. And now I'm pro at that. अब मैं अपना किसी भी गाने में रख लेती हूँ और इमेजिन कर लेती हूँ, एंड आई नेचुरली फील द एनर्जी. मैं उस मतलब उस पर्टिकुलर एक्ट्रेस की ना एनर्जी अपने अंदर ले लेती हूँ. तो इस तरह से अगर तुम रिपीट 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 करोगे, सो यू विल एंड अप डूइंग दिस. तो ये दो तरीके हैं जो मेरे को सेल्फ लव के बहुत ही अच्छे लगे, और जब तुम धीरे धीरे इसको फॉलो करते हो तो तुम्हारे पास ना खुद ही गाइडेंस आती है कि आगे ये करो, तुम्हें इंट्यूशन आएंगी, अब तुम्हें ये करना चाहिए खुद के लिए, अब तुम्हें खुद के लिए ये करना चाहिए, नाउ यू शुड डू स्किन केयर, नाउ यू शुड डू, यू शुड गो आउट एंड स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, नाउ यू शुड वॉक. तो तुम्हें इस तरह की इंट्यूशन खुद ही आएंगी, तो तुम्हें आगे ना कुछ हेडेक लेने की जरूरत नहीं है. तो ये जो तरीके है ना, ये दी बेस्ट है सेल्फ लव को फॉलो करने के लिए अकॉर्डिंग टू मी. ओके, तो यही था आज के वीडियो का सारांश. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन फ्रीली, ठीक है. और मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ वर्थ इतना हाई बना दूंगी दैट तुम्हें लोग पहचान नहीं पाएंगे एक महीने में. तो चलो ठीक है, जाती हूँ मैं,
आप लोग अपना ध्यान रखो, डू विजुअलाइजेशन, प्ले सॉन्ग, इसके बाद ही आप गाने चलाओ, सुनो गानों को एंड हैव फन यार. सेल्फ लव इज नॉट हेडेक, इट्स फन. ओके, बाय बाय, टेक केयर.